वहीं आईआईटी गुवाहाटी की ओर से जेईई एडवांस का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया है। परिणामों में एक बार फिर से एलन करियर इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से श्रेष्ठता साबित की। टॉप 10 में एलन के 4 स्टूडेंट शामिल हैं। इनमें राघव गोयल ने ऑल इंडिया रैंक 4, प्रभव खंडेलवाल ने ऑल इंडिया रैंक 6, मलय केडिया ने ऑल इंडिया रैंक 8 और नागी रेड्डी बालाजी ने ऑल इंडिया रैंक 9 हासिल की है। छात्रों और संस्था ने अपनी सफलता को सेलिब्रेट भी किया है। मैंने उम्मीद की थी ऐसी 200 की, लेकिन वही मेहनत से 100 आ गई। किस तरह का रिजल्ट रहा आपका? हमें AIR 61 आई है और बहुत अच्छा लग रहा है, और IIT बॉम्बे में एडमिशन लेने का ड्रीम है। नहीं, IIT का रिजल्ट पिछले साल से बहुत बेहतर रहा। टॉप 10 के अंदर 4 स्टूडेंट्स आए हैं। मैं मानता हूँ कि फर्स्ट रैंक तो नहीं आई, लेकिन फर्स्ट रैंक बड़ी सेंसिटिव रहती है। हमेशा आना पॉसिबल भी नहीं, किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन 10 में 4 आना, 100 में 37 बच्चों का आना, 50 में 19 बच्चों का आना एक अच्छी बात है। तो मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छा रिजल्ट है, और इन सब स्टूडेंट्स को शुभकामनाएं देता हूँ कि यह बेहतर करें, आगे भी जीवन में अच्छे इंजीनियर बने, और अपना और अपने पेरेंट्स का और अपने शहर का और अपने देश का नाम रोशन करें। तो चलिए खबरों, फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।